पूर्णिया के बाईसी अंतर्गत NH 31 एवं बाईसी रोटा जाने वाले स्टेट हाईवे को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बाईसी अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी तोशी ने बताया कि रमजान के महीने से ही इन अतिक्रमण किए गए दुकानों को जानकारी दी गई थी। एक सप्ताह पहले ही सभी दुकानदारों से माइकिंग करा के कहा गया था कि सड़क के नजदीक जो भी दुकान है वो खुद अपना दुकान को हटा ले। दुकान नहीं हटाने पर प्रशासन द्वारा उनका दुकान को हटा दिया जाएगा। सड़क के बगल में जितनी भी दुकानें थी लगभग दुकान सभी लोगों ने खुद से हटा लिए थे। जो दुकान हटाने के लिए बाकी थे उन्हें प्रशासन द्वारा हटाया गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि क्षेत्र के लोग गरीब हैं जो अपने रोजगार के लिए दुकान करते थे, उनकी दुकान अतिक्रमण मुक्त किया गया है, वह अन्य जगह पर जाकर दुकान लगा सकते हैं। गौरतलब है कि नेशनल हाईवे 31 और स्टेट हाईवे पर सड़क के नज़दीक दुकान होने से लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था और दुर्घटनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसे लेकर प्रशासन ने पहले चेतावनी दी थी और अब कार्रवाई की है। इस मौके पर SDM कुमारी तोशी, अंचल पदाधिकारी मोहम्मद इस्माइल, राजस्व अधिकारी मोहम्मद रईस, प्रखंड विकास पदाधिकारी अनित कुमार, बाईसी थानाध्यक्ष सुनील कुमार सहित कई सरकारी कर्मी मौजूद रहे। देख रहे हैं SDN न्यूज़, मुद्दे की बात आपके साथ। आज अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, कितनी दूरी पर कहां से कहां तक आज अतिक्रमण मुक्त होगा? अक्सर मेरी भी गाड़ी जाम में फंस जाती है, इस वजह से समस्या को देखते हुए हम लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं। और बाईसी बाजार जो भी है मेन रोड, उसके लेके NH का जो अतिक्रमण जहाँ तक है मैम, ऐसा देखा जा रहा है कि तुम लोग कह रहे हैं कि गरीब लोग जो दुकान लगा कर अपना रोजी रोटी करते हैं, उन लोगों को क्या सुविधा दिया जाएगा सरकार के तरफ से? उनके दुकान पर लगा जा रहा है? नहीं, गरीब लोग तो है नहीं, गरीब लोगों के लिए है जगह, लेकिन वो मेन रोड को छोड़ कर लगाते हैं दुकान, हमें कोई परेशानी नहीं है। वो लोग मेन रोड पर दुकान लगाते हैं, जिसकी वजह से जो भी रोड है लोग गाड़ी लेके आ जा रहे हैं उसकी वजह से जाम होता है, तो हमें परेशानी होती है। जैसे कि किसी का महीने की दुकान टूट रही है, क्या सरकार के पास उसको समय दिया गया है ताकि वो अपना दुकान अपने स्तर से हटाए? हमारी माइकिंग लगभग एक महीने पहले रोजा के समय से हो रहा है, जो लोग रमजान के समय दुकान नहीं हटाया गया, लोग समय दिया गया आप लोग अपने स्तर से हटा लीजिए, लेकिन अभी तक इन लोगों के द्वारा हटाया नहीं। कल भी माइकिंग हुआ है, बाकी उसके इन लोगों की वजह से ऐसा कहा गया कि अतिक्रमण के बाद में रोड की चौड़ीकरण भी होने वाली है या फिर दूसरी अतिक्रमण? ऑलरेडी यहाँ पे रोड हमारी चौड़ी है, वो आप भी देख ही सकते हैं। अगर इन लोगों से अतिक्रमण हटता है तो हमारे रोड यहाँ से वहाँ दिखते हैं, लेकिन जाम की वजह से ना रोड दिखती है ना पहले। यहाँ पे इस अतिक्रमण को हटाने के बाद हम लोग एक तरह की मुहिम चलेगी, जो लगातार ऐसा ये लोग फिर से दुकान ना लगाए, लगातार एक मुहिम चलेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ चेक करेंगे कोई नया दुकान ना लगे।